राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के सामयिक संग्रह अमीन और अनुसेवकों का नियमितीकरण मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हो रहा है, जिससे प्रदेश के सामयिक संग्रह अमीन में गहरी नाराजगी व्याप्त है, जिस कारण सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश को मजबूर होकर आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा। इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल, मंत्री घनश्याम शर्मा, चंद्रिका यादव, धीरेन्द्र प्रताप दुबे, मुनीम प्रसाद, संजय कुमार दुबे, दिग्विजय यादव सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कौशलेन त्रिपाठी ने कहा, चारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज को जिंदाबाद, सिग्नल संग्रह चपरासी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिग्नल संग्रह अमीन संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिग्नल संग्रह अमीन संघ जिंदाबाद। मेरा नाम कौशलेंद्र तिवारी, सामयिक संग्रह अमीन, जनपद गोरखपुर। हम लोग गोरखपुर जनपद में सामयिक संग्रह अमीन, सामयिक संग्रह अनुसेवक के पद पर तैनात हैं। पूरे प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीन और अनुसेवकों के लगभग 3000 से अधिक पद रिक्त हैं। हम लोगों की संख्या, अमीन की संख्या 2200, अनुसेवक की संख्या 3000 है। इसके बावजूद भी हम लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी माह में ये घोषणा किया था कि 2001 के पूर्व के जितने भी अमीन हैं उनको हम विनियमित कर देंगे, और अब तक उनको क्यों नहीं किया गया इसकी हम जांच कराएंगे और दोषियों को दंडित भी करेंगे। इसके बावजूद भी आज तक हम लोगों को विनियमित नहीं किया गया। इस क्रम में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम यदि हमें विनियमित नहीं किया गया तो 5 जुलाई को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था पूरे प्रदेश के SDM साहब के माध्यम से। आज 19 जुलाई को पूरे प्रदेश में जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग 23 जुलाई को पूरे प्रदेश के लोग जुट करके राजस्व परिषद का घेराव करेंगे। तब भी अगर हमारा विनियमितकरण नहीं हुआ तो हम लोग 5 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे।